अंदर परिवर्तन लाएंगे, प्रदेश के अंदर जन जन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं तो आप तमाम पत्रकार छायाकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों को आप लोग भी कवर करना छोड़िए। आज उनकी ये हालात है, 3 महीने से सोते हैं तो जननायक जनता पार्टी है, उठते हैं तो जननायक जनता पार्टी है। आज वो SYL तक को भूल गए, उनके पास मुद्दा ही जननायक जनता पार्टी है। तो मेरा निवेदन है कि जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा के भविष्य की लड़ाई लड़ रही और हमें निरंतर जो लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी पोल पट्टी भी हम समय आने पर खोलेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बंद कमरे में BJP और NLD के बीच हुई है, वो भी आपके सामने तथ्य रखने का काम करेंगे। पर मैं इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स नहीं करता कि इस तरह के बयान दो दो तीन तीन मिनट के गैप में इशू हो, इंटरव्यू हो, पत्र आए, बाइट्स आए, बाइट्स को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर पूरी तौर पर गिर चुका है और वो अपने आप को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे मगर दूसरों को रोकने के प्रयास में बहुत तेज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात लगी कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है तो ये भी हैरानी आप सबको भी नहीं होगी कि वो सरेआम BJP का भी समर्थन करने का काम करे। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज अगर हमें कुछ आगे लेकर चलना है तो जींद के मुद्दे हैं, जींद की उन्नति है, जींद का विकास है और उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। आज हमें जो मुद्दे उठाने हैं वो जींद की गलियों से उठाने हैं। यहाँ क्यों कचरे के ढेर लगे हुए, क्यों आज वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर नहीं होती, क्यों यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीचिंग स्टाफ नहीं, आज क्यों अधिकतम ऐसी कॉलोनीज है जहाँ आज की 15 मिनट की बारिश के बाद भी 6-6 इंच पानी खड़ा है। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।